टाइटल से आप पहचाने गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। दिस इज नॉट अ प्रॉपर व्लॉग, ये छोटे छोटे क्लिप्स थे वीडियोस के, व्हिच आई हैव ट्राइड टू मर्ज देम एंड आई हैव ट्राइड टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा। दिस वॉज माई लॉकडाउन। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देखना। देखिए आप देख सकते हैं आइसक्रीम भी चल रही है एक हाथ में और एक हाथ में वर्कआउट भी हो रहा है। दिस इज अ नाइस टेक्निक कि आप वेट लॉस भी करिए और अपना वर्कआउट करिए। साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, नमस्कार, आप लोगों से निवेदन है कागज ग्लास में ना डालें। और ये देखिए, दिस इज इंडिया और ये मेरी लिफ्ट। बाय। लॉकडाउन वॉज समथिंग जो शायद हम सब ने पहली बार एक्सपीरियंस किया और हमारे जनरेशन के लिए इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि हम ये सब चीजें होते हुए देख रहे हैं। सबको लग रहा था लॉकडाउन है, एक दो महीने तक चलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर सब कुछ बैक टू नॉर्मल। एंड हमें बहुत अच्छा टाइम मिला है अपने आप को देने के लिए, अपनी नई हॉबीज डेवलप करूंगा एंड आई विल गेट टू नो माई इनर मी, मैं अच्छी तरह जानूंगा। तो एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड कि हाँ चलो अब लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है। सिंस लॉकडाउन में बाहर तो जाना होता नहीं था तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू स्पेंड वाज विद माई फ्रेंड्स। हम साथ में वर्कआउट करते थे, हमारे पार्क में ही हम वर्कआउट करते थे एंड ऐसा होता था कि उसी में मस्ती चल रही है। सोशल मीडिया पे कुछ भी ट्रेंड होता था, पीपल वर लाइक कि ओ माय गॉड ये तो करना ही पड़ेगा। मतलब दे यूज्ड टू थिंक कि ये हमें मिला है टास्क एंड ये तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इसके वजह से लोगों के अंदर का शेर जाग उठा था। लोग ये दनादन पे बनाए जा रहे हैं डिशेस। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दालगोना कॉफी। मेरे को उससे पहले नहीं पता था कि ये जो मैं कॉफी पीता आ रहा हूँ इतने दिनों से उसको दालगोना कॉफी कहते हैं। ये तो मेरे को ट्रेंड के आने के बाद पता चला, ओ माय गॉड दालगोना कॉफी इसको कहते हैं। आई स्टार्टेड लर्निंग न्यू थिंग्स इन लॉकडाउन। आई स्टार्टेड डूइंग कैलिस्थेनिक, आई स्टार्टेड डूइंग स्केपिंग, आई स्टार्टेड लर्निंग स्केपिंग। ठीक है, एंड मेरे सारे दोस्त भी वही करते थे बिकॉज ऐसा हो गया था कि लॉकडाउन में खा खा के सबकी टोन बाहर आ चुकी थी। ठीक है, एंड दे वांटेड कि ओ माय गॉड अब इतनी ज्यादा टोन हम रख नहीं सकते, तब हमें करना पड़ेगा वर्कआउट स्टार्ट। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? इंस्टाग्राम पे स्टोरी सिर्फ दो टाइप की थी, या तो दालगोना कॉफी बनती थी या फिर कुछ डिश बनती थी। ठीक है, उसके स्टेटस होते थे या फिर लोग बिंगो बनाते थे। भाई मतलब मैंने कॉलेज का बिंगो देखा है, फ्रेंड सर्कल का बिंगो देखा है, ट्यूशन का बिंगो देखा है, कैंटीन का बिंगो देखा है। मैंने इतने ज्यादा टाइप्स के बिंगो देख लिए थे, मतलब यही चल रहा था ट्रेंड। फिर ये ट्रेंड थोड़ा फेड होता गया, उसके बाद आया नया ट्रेंड। अब जैसे कि सारे खाली तो बैठे थे, ठीक है, सबके दिमाग में बकचोदी तो सूझी रही थी। तो इंस्टाग्राम नेम चेंज करने का बहुत तगड़ा ट्रेंड चला था एंड इसका शिकार मैं भी था।
ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम नेम कर दिया था दोस्तों ने गवर्नमेंट आंटी, बिकॉज मेरे को भी नहीं पता था कि आप इंस्टाग्राम नेम को सिर्फ दो हफ्ते में, शायद 14 डेज में सिर्फ दो बार चेंज कर सकते हो, सबका नाम ही गवर्नमेंट आंटी कर दिया। तो क्या हो रहा था कि अगर आपकी कोई भी चीज़ें पोस्ट या कुछ भी लाइक हो रही थी तो ये लगे थे दिस लाइक बाई गवर्नमेंट आंटी, दिस लाइक बाई गवर्नमेंट आंटी, मतलब गवर्नमेंट आंटी ही चल रहा था। किसी का रख दिया नाम में क्या रखा है तो लिखा रहे नाम में क्या रखा है, लाइक योर पोस्ट, पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही थी, मतलब ये चल रहा था। मोदी जी तो थे ही, मोदी जी बीच बीच में अपनी सरप्राइज एंट्री मारते थे एंड हमें कुछ ना कुछ टास्क देके चले जाते थे। एंड जब भी मोदी जी सरप्राइज एंट्री मारते थे लोगों के अंदर ऐसे एक्साइटमेंट सी रहती थी कि ओ माय गॉड नया टास्क मिलने वाला है, नया टास्क मिलने वाला है, अब क्या देंगे मोदी जी, अब क्या देंगे मोदी जी। मोदी जी वॉज लाइक की मित्रों इस बार बर्तन बजाने हैं, मित्रों इस बार दिया जलाने हैं, ठीक है। एंड मोदी जब भी आते थे कुछ ना कुछ वर्ड देके चले जाते थे, मतलब लोगों की वोकैबुलरी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, बहुत ज्यादा वोकैबुलरी अच्छी हो गई है। मोदी जी जब भी आते थे मोदी जी एक वर्ड दे के चले जाते थे, लाइक वर्ड ऑफ द डे आते थे, मित्रों मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ आज, तो आज आज का वर्ड ऑफ द डे है आत्मनिर्भर, अब इसको याद कर लो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर क्वारंटीन आया, मेरे को पता नहीं था क्वारंटीन का मतलब क्या होता है। अब सबको याद होगा जो मोदी जी ने हमें फर्स्ट टास्क दिया था दैट वॉज बर्तन बजाने का, तो दैट वॉज लाइक उसका अच्छा इनिशिएटिव था कि हाँ ठीक है फर्स्ट लाइन वर्कर्स जो हैं उनको अप्रिशिएट करने के, उनको बूस्ट करने के लिए हम ये टास्क करेंगे, ठीक है। लेकिन लोग भावुक ही हो गए, मोदी जी ने बिल्कुल ऐसा बोला था कि मित्रों 4:45 पे हम स्टार्ट करेंगे और 5 बजे हम खत्म कर देंगे। लोग अलग ही भाव हो गए, लोगों ने 4:30 बजे स्टार्ट कर दिया और 6 बजे तक बजा रहे, मतलब लोगों ने थाली पीट पीट के थाली तोड़ दी भाई। उस इंसिडेंट के बाद मोदी जी का ट्वीट आता कि मित्रों 5 मिनट तक ही बजाना था, आधे घंटे तक नहीं बजाना था मित्रों। फिर बीच में गो कोरोना गो के नारे फेमस हो रहे हैं, उनको लग रहा था कि गो कोरोना गो से बोलने से ये कोरोना खत्म हो जाएगा। फिर जब स्कूल काफी दिनों तक बंद हो गए तो लोगों को लगा कि ओ माय गॉड ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो फिर आई ऑनलाइन क्लासेस की। ऑनलाइन क्लासेस वॉज लाइक अ फन एलिमेंट जो कि हमारी लाइफ में ऐड हो गया ड्यूरिंग द लॉकडाउन। इसमें क्या चल रहा था, पढ़ाई तो हो नहीं रही थी, इसमें बच्चे उल्टा टीचर्स के मजे ले रहे थे, मतलब फुल टू मस्तीबाजी चल रही थी वहां पर। इन फारेनहाइट स्केल होता नहीं आसान। जब लॉकडाउन 2 से 3, 3 से 4 महीने तक एक्सटेंड हो गया तो लोगों को पता लग गया देखो लॉकडाउन 2 से 3 महीनों का खेल है नहीं, अब इसमें लगेगा बहुत ज्यादा टाइम। तो जो स्टार्टिंग में सबने दृढ़ निश्चय लिया था कि भैया देखो अब लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है, आई विल एक्सप्लोर माई सेल्फ, ठीक है, उन सबने बोल दिया कि देखो हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया, अब इससे ज्यादा एक्सप्लोर हमसे हो नहीं पाएगा, हम शेफ भी बन लिया, अब इससे ज्यादा हम शेफ बन नहीं पाएंगे, हमारी औकात भी नहीं। लॉकडाउन ने बहुत आराम से सबकी मारी, स्लोली एंड ग्रेजुअली आराम से मारी। वर्कआउट से मन भर जाता था तो व्हाट वी यूज्ड टू डू कि हम टीटी रूम में चले जाते थे। टीटी रूम वॉज लाइक कि अगर नीचे आए हैं तो या तो हम वर्कआउट कर रहे होंगे या हम टीटी रूम में होंगे। देख सकते हैं कौन कौन खेल रहा है, ये हमारे मनसुख भाई बहुत अच्छा खेलते हैं, इनकी यूएसपी ये है कि ये शॉट मारते वक्त एक इनका ये दिखाएंगे, अविनाश एक बार करके दिखाइए मंजूक भाई की यूएसपी क्या है। देखो विवेक भाई चाह कर भी तो अच्छा नहीं कर पाएंगे क्योंकि मंजूक भाई जो करते हैं ना वो ऑटोमेटिक करेंगे, अभी कैमरा उल्टा कर दो अभी देखिए गाइस वो होना ही है, एक स्टेप हो जाए मंजूक भाई मैदान में, विवेक भाई उतरते हुए बालों को झटकते हुए हेयर बैंड। 4 लोग टेबल टेनिस खेले लेकिन सीरियस सिर्फ 3 लोग हैं। हाँ, दूसरे विवेक भाई है, विवेक भाई अपना अलग ही खेल रहे फिर बीच में एक गेम बहुत ही ज्यादा ट्रेंड करने लगा, दैट वाज किंग लूडो। अगर आपने खेला होगा, लाइक सबने खेला होगा, ठीक है, लूडो का तो ये सीन हो गया था कि हर घर लूडो, वो भी फिजिकल लूडो नहीं, ऑन फोन, हर घर लूडो ऑन फोन, सभी खेल रहे हैं, मतलब चैंपियन बने पड़े हैं लोग। अब रात में मतलब घर तो आना ही होता था, ठीक है, लेकिन उसमें भी हमारे वो थे टर्म्स एंड कंडीशन, हम डिसाइड कर लेते थे कि आज हमें नाइट से किसके घर पे करना है, तो मतलब हम हर दिन किसी के घर पे नाइट से करते ही करते थे, ठीक है। एंड पत्ते खेलना वाज वेरी मैंडेटरी। नॉनसेंस भाई, भाई भाई
चलते जा, बस खत्म, the end. So guys, that is up for the video. Thank you guys for watching this video. I hope आपको ये video पसंद आई होगी. So if you like this video, please give a thumbs up. Like कर देना, share करो अपने दोस्तों के साथ and comment करो अपने जो भी lockdown memories हैं अगर आपकी कोई हो तो. अगर you want to share, then please comment it down and अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, 1000 करवाने हैं प्लीज़, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स करवाने हैं मेरे को, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो थोड़ी सी, ठीक है. एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.